ये पढ़ना शुरू करें फिर से। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 850,000 एंड 460,000। रिक्वायरमेंट देखिए आपसे रिक्वायर्ड है करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बताएं, कंप्यूट कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें। अगर कोई एरर हुआ होगा उसकी हम करेक्शन लिख लेंगे और उस करेक्शन से अगर प्रॉफिट परफेक्ट आएगा तो अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेंगे। रिक्वायरमेंट है क्या करेक्टेड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट निकालना है? एलएच वाला क्वेश्चन निकालेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डबल नंबर एलएच के नाम से क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 270 निकालिए करेक्ट। ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना था 270 पेज के अंदर क्या फाइंड आउट करना था? करेक्टेड सरप्लस निकालने के लेकिन किया क्या था? जो गलत एंट्रीज हुई थी उनको ठीक किया और फिर उनका जो इफेक्ट आना था वो सरप्लस पे कंसिडर करके करेक्ट सरप्लस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है वापस आएंगे तो यहाँ भी क्या रिक्वायर कर रहा है पेज नंबर 137 में हम अपनी एडजस्टमेंट्स लिख जो प्रॉफिट इफेक्ट वो हम एग्जामिनर के सामने रख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो हम एडजस्टमेंट्स लिखेंगे एंट्रीज वो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जामिनर ने मांगा वो फर्स्ट पेज पर आ जाएगा या फिर हमारी वर्किंग्स में एंट्रीज आ जाएंगे। ठीक है तो पेज नंबर ऑफ फाइनली कौन सा हो गया 147 पे हम आ गए। तो फर्स्ट टू लाइंस में क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 2017 का वो गिवन है और हमसे ये रिक्वायर्ड है कि हम सही फाइंड आउट करें। अब आज एडजस्टमेंट्स होनी है। ड्यूरिंग रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एरर्स वर नोटेड, कुछ एरर्स नोट किए गए हैं। पॉइंट नंबर वन, एन इनवाइस ऑफ रुपीज 3700 होती है इनवाइस रसीद होती है नहीं, अगर बेचा तो सेल की रसीद होगी इनवाइस और अगर खरीदा तो परचेज की रसीद होगी। तो इनवाइस ऑफ रुपीज 3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोबारा पढ़ें, परचेज रिकॉर्ड होगी लेकिन गुड्स कब आएंगे? स्टॉक में शामिल नहीं है। अगर गुड्स ईयर एंड के बाद आएंगे तो स्टॉक में शामिल ना होना गलती है या परचेज रिकॉर्ड होना गलती है? पढ़े दोबारा आप तसली से पढ़े, परचेज कब रिकॉर्ड होती है, सेल कब होती है? चीजें सेल कब हो जाती है? जब चीजें दे देंगे, चीजें देंगे तो सेल होगी। परचेज कब होगी? जब चीजें ले लेंगे। सेल कब हो जाएगी? गुड्स डिलीवर करेंगे। और परचेज कब होगी? जब गुड्स रिसीव करेंगे। तो बड़ा जरा मसला क्या है इसमें? स्टॉक में ना शामिल होना मसला है या परचेजेस में आ जाना मसला है? गुड्स कब आएंगे? आफ्टर द ईयर एंड आएंगे, ईयर एंड के बाद आएंगे। तो ये परचेज कब रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी जब गुड्स आएंगे और फिर इसी वक्त स्टॉक में शामिल होनी चाहिए थी अगर ये बिकी नहीं है। तो मसला कहाँ है? परचेजेस के डेबिटेड में या स्टॉक के अंदर शामिल ना होने? अरे अगर अगर ये गुड्स ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो यकीन परचेज भी रिकॉर्ड होना चाहिए और अगर बिकी नहीं है तो स्टॉक में भी होनी चाहिए, अगर बिकी नहीं है तो स्टॉक में भी होनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस परचेज शायद पहले रिकॉर्ड हो गई है। देखें तसली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन करनी पड़ती है सही सर। हाँ जी, इस परचेज को रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था लेकिन क्या हुई भी है?
किस लक्ष्य से पता चला हमें? प्लीज पेज नंबर सर 147। अच्छा ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है, कंसल्टेशन सोच के बता, बताया तो नहीं हुआ लेकिन कौन सी होगी? क्रेडिट परचेज होगी, तो क्रेडिट परचेज की फिर क्या एंट्री हुई होगी? तो फर्स्ट पेज जरा छोड़ दो, वर्किंग्स में आ जाओ, एडजस्टमेंट सीखना शुरू करो। पूरा पेज ही रख लीजिएगा, उसमें एक तो बात वगैरह करनी डिटेल में। ये फर्स्ट पॉइंट की एडजस्टमेंट, परचेज रिकॉर्ड करें या रिवर्स करें, रीजन बता दो दोबारा। गुड्स आई नहीं है, परचेज रिकॉर्ड हो गई है, क्रेडिट है, ये कैसे पता चला मुझे क्रेडिट परचेज है? बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज ही है और बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल ही है, तो ये परचेज की ट्रांजेक्शन है, तो परचेज जब रिकॉर्ड हुई होगी तो एंट्री बोलते रहे शुरू हो जाए, और रिवर्सल एंट्री होगी क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल्स है पे एंड परचेजेस पे। ये 37 है। डेफिनेटली कल हम एक फॉर्मेट भी बना रहा था, लेकिन फॉर्मेट शायद तभी बनाए अगर एंट्रीज एग्जामिनर ने रिक्वायर की है, मतलब पेज 159 पे जाएगा, एग्जामिनर अगर मांग रहे हैं एंट्रीज लिखें फिर तो प्रॉपर फॉर्मेट पे कर लें, लेकिन अगर एंट्रीज हम अपने लिए लिख रहे हैं ताकि कोई वर्किंग हो जाए हमारी, तो उसके लिए फिर ऐसे टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है सर, एनी कन्फ्यूजन सर? फाइनली बता दें पॉइंट वन में मसला क्या था, बोल दें यार प्लीज बोल दें। पॉइंट नंबर टू पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन इन वर्ड्स, ये समय कैरेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन वर्ड भी है, फ्रेट वर्ड भी है, फ्रेट इनवर्ड्स भी कैरेज इनवर्ड्स ही है, फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, अमाउंट भी 2000 इज इंक्लूडेड इन। क्या चीज कहाँ इंक्लूड हो गई है, कैरिज इनवर्ड्स है कैरिज आउटवर्ड्स में शामिल हो गया। अच्छा ये वाली जो ट्रांसलेशन मैंने किया, ये तो मेरा ख्याल है कोई भी अगर थोड़ी सी इंग्लिश समझता वो भी कर लेगा, इस पर एक अकाउंटेंट बन के जरा पढ़ो। डेबिटेड क्रेडिटेड के एंगल से बताएं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया, कैरिज इनवर्ड्स डेबिट होना था उसे कैरिज आउटवर्ड्स में डेबिट कर दिया, तो आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह कर रहे हैं, तो क्या मसला कैसे सही करें? नहीं रिवर्स नहीं करें यार, कमाल हो गया, कहां से निकालें कहां ले जाएं। अच्छा वैसे रिवर्स है या कैरिज इनवर्ड्स कैरिज आउटवर्ड्स, अपने लॉस स्टेटमेंट में बनाया, ये कैरिज इनवर्ड्स किधर होता है? परचेजेस में प्लस होता है ग्रॉस प्रॉफिट से पहले कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, और कैरिज आउटपुट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स डेबिट एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स डेबिट, वहां से निकालना है वापस इसमें, किसको कहां से निकालें कहां लाना, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स डेबिट एंड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स क्रेडिट। कितने से सर? 2000। प्लीज फुली इन्वॉल्व रहे सर, नाना साहब ट्रांसलेशन कर देंगे पॉइंट नंबर टू की जो भी किया हुआ है, क्या चीज कहाँ चली गई, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स डेबिट कर रहे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, फिर कैसे ठीक किया इसे, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स डेबिट ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उससे निकाल के इनवर्ड नहीं वो बढ़ गई कम हो गई, पहले ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स की जो फिगर आउटवर्ड्स में जाने से वो ज्यादा हो गई है, वहां से इनवर्ड्स निकालेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स की फिगर कम हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स की फिगर लगा दे।
देखेंगे तो इसी चलता है सर। बड़ा मन खुदा का नाम नहीं है। दोबारा सेंटेंस बोलेंगे प्लीज। पॉइंट नंबर टू में मसला के, क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया है? ये डबल अमाउंट का मसला कब होता है? जब डेबिट होने की बजाय कहीं क्रेडिट हो जाए, होना डेबिट और कहीं क्रेडिट हो जाए। अगर डेबिट ही डेबिट हुआ है, प्रेजेंट में ट्रायल बनाया जा रहा, क्या ट्रायल आउट होगा इससे? क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया? डेबिट सेम रहे, डेबिट सेम, डेबिट क्रेडिट का इशू तो नहीं है। डबल से कब होता है? डबल से कब कब किए हमने? पेज नंबर 142 पर जाए। पेज नंबर 142 पे पॉइंट नंबर सिक्स। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और हुई क्या है? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब होना क्या था? कैश तो डेबिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ। डबल से क्यों करना पड़ेगा? पहला कैंसल होना है, तो डबल से तब होता है कि कोई डेबिट करने की बजाय क्रेडिट करते हैं, या वाइस वर्सा बोल, या क्रेडिट करने की बजाय डेबिट करते हैं। तो लेकिन अगर डेबिट ही किया है, डेबिट डेबिट गलती तो है, अकॉर्डिंगली ठीक तो करेंगे, लेकिन ना तो ट्रायल इफेक्ट होगा, डेबिट्स भी उतने ही है, लेकिन गलत जगह डेबिट है उसको ठीक करें। ठीक जी। नंबर थ्री सर, बहरहाल जहां जहां ये बार बार जाएंगे, कभी तो जाना है कभी तो जाना, अभी डिफरेंट क्वेश्चन में जाता रहूंगा मैं, मेरे साथ साथ प्लीज रहिएगा, एनी कंफ्यूजन? नंबर थ्री सर, गेम ऑन हो रही है। पहले लिखा सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड एज 21,830 इंस्टेड ऑफ 21,380। पहले तो ये जो लिखा हुआ इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, नहीं वो ट्रांसपोजिशन एरर है ये, ठीक है, लेकिन पहले ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग जरा समझ लीजिए। हर बिजनेस का जब ईयर एंड आ जाता है तो साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक गिना जाता है। साल के एंड में ये स्टोर रूम में जाकर गिना जाता है कितने यूनिट्स पड़े हैं। अगर स्टॉक ज्यादा पड़ा हो तो फिर तरीका ये होता है कि कोई कॉपी पकड़ ली जाती है, कोई रजिस्टर कर रहे हैं कॉपी, और चीजें डिफरेंट अगर आइटम्स हैं डिफरेंट नेचर की, उनके एक लिस्ट बना ली जाती है किस चीज के कितने यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक ज्यादा हो तो यकीन पहला सफर खत्म हो जाएगा, फिर अगला सफर शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर सफर ज्यादा हो जाए देन इसका फिर टोटल होना है। टोटल करने का तरीका ये होता है कि हर पेज का एक टोटल कर दिया जाता है, फिर दूसरे पेज का भी टोटल हो जाएगा, तीसरे का भी हो जाएगा, चौथे वगैरह का भी हो जाएगा, और देन डेफिनेटली इन सारे पेजेस का फिर ग्रैंड टोटल भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, सब टोटल ऑफ अ स्टॉक शीट, किसी एक सफे का टोटल। अब जो टोटल इस सफे का फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख रुपया आया तो नेक्स्ट पेज पे उसे इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि एक ही दफा फाइनल टोटल भी आ जाए। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, पहले सफे का टोटल नेक्स्ट पेज के एंड में चला जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। अगर 5 लाख यहाँ है तो नेक्स्ट पेज पे 50,000 होना चाहिए, 5 लाख ही उठाना चाहिए। और अगर बाद में 7 लाख हो गया यहाँ तो कैरी फॉरवर्ड 7 लाख, अगर 8 लाख हो गए तो 8 लाख। अब ये सेंटेंस समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ, पढ़े जरा ट्रांसलेशन करें क्या हुआ। सब टोटल का मतलब फाइनल टोटल नहीं, किसी एक सफे का टोटल, एक स्टॉक शीट का टोटल कितना था और कितना चला गया। कैलकुलेटर पकड़ो, कितना ज्यादा हो गया, कम हो गया, कितने की बजाय कितना लिख लिया। क्या 450 से स्टॉक बढ़ गया कम हो? कितने रुपयों को कितना लिख लिया, ट्वेंटी वन थाउजेंड एट थर्टी लिख लिया, 450 से स्टॉक को ज्यादा लिख लिया। सही करो भाई, कितने की बजाय कितना लिख लिया, 450 से स्टॉक को ज्यादा कर। अब स्टॉक ज्यादा होने से क्या होता है, अपने जेन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, क्लोजिंग स्टॉक कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आता है? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स में नजर आता है,
करंट एसेट्स में स्टॉक देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मिला क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी आता है जब कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वहां माइनस क्लोजिंग स्टॉक और फिर स्टॉक एज एन एसेट क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आता है अब स्टॉक के कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता स्टॉक के कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जिन्हें नहीं सही तरह याद है वो एक सेकंड बोर्ड पर देखें फॉर एग्जांपल सेल्स की अमाउंट है 5 लाख देन सेल में से फिर कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती है सपोज ओपनिंग स्टॉक है 10,000 तो प्लस क्या होता है परचेजेस सपोज थी 2,50,000 क्लोजिंग स्टॉक सपोज है 30,000 कैलकुलेटर पर $10,000 + $250 - $30 कॉस्ट ऑफ सेल्स सॉल्व करो तो 30 हो जाएगी और 230 कॉस्ट ऑफ सेल लिखने से ग्रॉस प्रॉफिट 270 निकला है ठीक है सर अब फॉर एग्जांपल ये सब कुछ करने के बाद पता चला कि ये 30,000 स्टॉक लिखा मैंने ये इनफैक्ट सही था 35,000 मतलब मैंने 30,000 की बेस पे ये सारी वर्किंग कर दी है लेकिन सपोज ये 30,000 सही फिगर नहीं थी सपोज 35,000 सही क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट थी इट मींस मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा हुआ है और ये 5,000 अब ज्यादा होगा तब जरा कैलकुलेटर दोबारा पकड़ना 10,000 ओपनिंग स्टॉक है प्लस 250,000 है माइनस लेकिन 30 नहीं होना चाहिए था कितना होना चाहिए था 35,000 होना चाहिए था तो अगर आप 35,000 माइनस करें ये कर क्या रहा हूँ एक सेकंड सर पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहा हूँ गलती से कम हुआ मैं बढ़ा रहा हूँ उससे कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इम्पैक्ट होगा आप फिगर बताए 225 ऐसे ही हुआ लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 275 कंसंट्रेशन प्लीज मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया है या कम किया है बढ़ाया है क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई असल में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में लेस हो रहा होता है अगर आप ज्यादा लेस करेंगे सोचो जरा एक अकाउंटेंट बन गए अगर आप ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में कम ही हो जाना है ज्यादा लेस करेंगे तो और कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक मैंने बढ़ाया है तो प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ गया और वाइस वर्सा क्या होगा इट मींस ये जो एरर हुआ पॉइंट नंबर 3 देखो अपनी बुक में ये क्या एरर हुआ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया या कम हो गया यहां ज्यादा हो गया है और अब उसे कम करना मैंने जो एग्जांपल दी इसमें मैंने क्या किया था मैंने कम लिखा था ज्यादा करना था लेकिन यहां वाइस वर्सा सिचुएशन क्लोजिंग स्टॉक को 450 से ज्यादा कर दी है उसे कम करना हमने उसे सही करके कम करना हमने क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करना तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट ने कम होगा और प्रॉफिट क्यों कम होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी इस ब्रैकेट के साथ सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक हैज कौन सा रिलेशनशिप व्हाट इज द मीनिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप यार क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप है ग्रॉस प्रॉफिट कह लें लेकिन अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट अगर चेंज होगा तो नेट प्रॉफिट तक बात जाएगी सही है सर तब इसके फिर एडजस्टमेंट कैसे बनेगी नहीं मेरे से फाइनली जरा सुन लो क्या स्टॉक बढ़ाना या कम होना
स्टॉक कम करने का मतलब स्टॉक ने तो क्रेडिट होना है एज एन एसेट, स्टॉक एसेट है क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इस स्टॉक के कम होने से हमारा प्रॉफिट भी इफेक्ट होना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट ने बढ़ना है कम होना, प्रॉफिट नहीं कम होना है। तो प्रॉफिट के कम होने का मतलब प्रॉफिट डेबिट होना है या क्रेडिट होना, प्रॉफिट डेबिट होना है, लेकिन प्रॉफिट ने किसकी वजह से किसके बढ़ने की वजह से डेबिट होना नहीं, नहीं मेरा सेंटेंस और क्लोजिंग स्टॉक ने कम होना, प्रॉफिट ने भी अकॉर्डिंगली कम ही होना, लेकिन प्रॉफिट जो कम हो रहा है वो असल में कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से। तो रादर देन के हम प्रॉफिट लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है और स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और उसका सेकंड इफेक्ट एसेट के तौर पे कम हो रहा है, स्टॉक एसेट कम हो रहा है और स्टॉक एसेट के कम होने से प्रॉफिट ने भी कम होना, लेकिन प्रॉफिट ने किसके बढ़ने की वजह से कम होना। तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, अब ठहरे पहले पूरी बात सुन लीजिए, बताएं स्टॉक डेबिट करूं क्रेडिट करूं, स्टॉक क्रेडिट क्यों कम क्यों करना है, ज्यादा हो गया। स्टॉक क्रेडिट का मतलब क्या है, क्या चीज कम हो रही है, एसेट कम हो, स्टॉक वाला एसेट कम हो, अब स्टॉक वाला एसेट क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट नहीं कम होगा, लेकिन प्रॉफिट ने किसके बढ़ने की वजह से कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज है, एक एक्सपेंस टाइप चीज है, सेल में से लेस होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी या कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी। बात मेरी एक मिनट पूरी सुना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब है कि एक्सपेंस बढ़ के प्रॉफिट कम होगा, और स्टॉक क्रेडिट का मतलब है एसेट क्रेडिट होके कम होगा। कॉस्ट ऑफ सेल किस नेचर का हेड है, एक्सपेंसिव है, सेल में से लेस होकर प्रॉफिट आता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा और स्टॉक के कम होने से हमारा एक स्टॉक वाला एसेट कम होगा। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस में लाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इस एडजस्टमेंट को कहाँ कहाँ हम विजुलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में 450 ऐड हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, लेस हो रहा होगा, और ऐड होने से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को इफेक्ट आ जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अगर हम बना रहे हैं तो वहां स्टॉक में से क्या कम होने से कहां कहां इफेक्ट चला गया, स्टॉक कम होने से स्टॉक पे भी इफेक्ट आएगा, और स्टॉक क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में भी आता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ते प्रॉफिट को भी इफेक्ट कर देगी। प्लीज क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कम हो रहा है, प्रॉफिट कम होना है किसके बढ़ने की वजह से, समझ आ गई प्लीज। देखें जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर, एक संडे साथ लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, इसकी कोई ट्रांसलेशन इस लफ्ज की, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल की कॉस्ट से मुराद जो चीजें बेचनी है उनकी कॉस्ट किस दिन एक्सपेंस बन जाती है, जब चीजें खरीदें तो वो एक्सपेंस है या एसेट है, चीजें खरीदी हैं एसेट है, लेकिन जिस दिन चीजें बिक जाए तो सेल के साथ साथ जो चीजें बिक जाए उनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है। एक एसेट कब तक एसेट रहता है, जब तक उसका बेनिफिट ना मिल जाए, तो चीजों का बेनिफिट किस दिन मिल जाता है, जब उनको बेच दिया जाता है, तो फिर चीजें बिकने के बाद स्टॉक्स निकल के कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाती है। ठीक है सर, कौन है क्वेश्चन में, स्टॉक कम हुआ
यार खुद अगली से सेंटेंस तो अंग्रेजी में सही पढ़ने का। 100 का बढ़ गया, कम हो गया भाईजान, अभी तो यही फाइनल नहीं हो सका यार। कितने की बजाय कितना लिखा है यार? 21,830 लिख लिया है, किसकी जगह? ज्यादा लिख लिया, कम लिख लिया है? वो प्लीज ज्यादा लिख लिया यार, इसलिए कम किया ताकि ठीक हो जाए। ठीक है मिस्टर फैसल जी, नमस्ते। रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स। अच्छा साथ साथ कर ली रहने, अपनी एंट्रीज फाइनल करेंगे इसी पढ़ पढ़ के। एक एंट्री बोलने की कोशिश करें। रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू सेल। रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसे आना या पेमेंट, पैसे जाना, कभी लफ सुना रिसीट? रसीद कहाँ क्रेडिट हो गई? सेल में। क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। आगे चले। द अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर, लेकिन ये अमाउंट कहाँ से आई थी? एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज। ये पैसे कहाँ से आए थे? कितने रुपए के अगेंस्ट आए थे? लेने आए कितने हैं? लेने कितने थे? कितने तो ये थोड़े से क्यों आए हैं? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बटन डालेंगे। डिस्काउंट रिसीव हो गई है, इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट 21,850, डेटर क्रेडिट बाय रुपीज 23,000, और बैलेंसिंग फिगर को डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होना चाहिए था। एग्जामिनर ने लेकिन क्या किया है? कैश डेबिट सेल क्रेडिट कर दिया है, होना क्या चाहिए था? लिख के कर लेते हैं, लिख के कर लेते हैं, रेक्टिफाई कैसे होगा, लिख के कर लेते हैं। आ जाए जरा बकिंग, कौन सी तीन एंट्रीज अब आपके सामने जल्दी से करने लगा? ना ना यार, कम ऑन, रिक्वायर्ड वाली, पोस्टेड वाली, और वो वाली यार, वैसे ही यार। नहीं, माइंड में अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है एहतियातन जल्दी से लिख के माइंड ऑफ कर लेते हैं, माइंड में गलत ना बन जाए। बनाए माइंड में क्या बनेगा? जितनी देर में हमने माइंड में सही बनानी ना, मेरा ख्याल उतना टाइम है। ठीक है, मैं लेकिन मैंने कहा था जहाँ सिंपल है वहां शायद टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ थोड़ा सा मुश्किल है वहां भी टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप नहीं करना चाहते तो जल्दी से बताएं रेक्टिफाइंग एंट्री का, मैं नहीं लिखता, लिख भी लेते हैं। रिक्वायर्ड एंट्री क्या थी? कैश डेबिट 21,000, यार अमाउंट तो बताओ ना, 21,850, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,150, ये होना चाहिए था, ये हुआ है। और डेटर क्रेडिट बाय 23,000। पोस्टेड एंट्री क्या थी? कैश 21,000 से एंट्री हुई है, सर 21,850 हुई है। क्या मतलब बनेगा? पहला जुमला जरा दोबारा पढ़े क्वेश्चन, पहला सेंटेंस इस पॉइंट में। द रसीट वॉज क्रेडिटेड टू सेल, कैश कहाँ क्रेडिट हो गया? हालांकि उसे कहाँ जाना चाहिए था? गेम तो और थी, रेक्टिफाइंग बना। देखिए डेफिनेटली मैं समटाइम्स कुछ एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, अगर जहन मानता है तो सीधी एंट्री लिखे। पहुंचना कहाँ है? रेक्टिफाइंग तक पहुंचना। ये सेल डेबिट है, कैश में कोई इशू नहीं बना, सेल में इशू बना। सेल डेबिट क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी, डेबिट करके ठीक कर लें। बाकी गेम आपके सामने खुल के भी आ गए। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुई और डेटर क्रेडिट। क्या सही था? कैश सही था, सेल में गलती थी, क्रेडिट हुई थी, डेबिट करके उसे जीरो करें। या डबल से नहीं करना है, सेल को क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, सेल इन्वॉल्व ही नहीं है स्टोरी में, ये तो डेटर से पैसे हैं, तो सेल को कैंसिल किया है डेबिट करके। मैंने ये रेक्टिफाई एंट्री लिखनी तो होगी ना, इन दो को देख के रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तरीका क्या इसका होता है? जो सही है उसे छोड़े, जो गलत है उसकी करेक्शन करें, और जो वही नहीं उसको रिकॉर्ड। ये ठीक है जो
नोट कर दिया। माना जब हम वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली कौन सी एंट्री पे फोकस रखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री इज रिक्वायर्ड, वहां तक हमें पहुंचना। चलिए कुछ आसान आ रही है चीजें और शायद कुछ बातें कल भी हुई थी। नंबर फाइव पढ़े, सोच के सही एंट्री बता दें। क्या चीज कहां चली गई? नहीं नहीं मतलब हाँ चलें ठीक है, एंट्री तो नहीं हुआ क्या? कुछ चीजें थी जिन्हें ऑफिस रिपेयर्स में यूज कर ली, एंट्री बना। ऑफिस रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट, गुड नहीं लेकिन गुड्स वर्ड लगाएंगे कुछ और वर्ड लगाएंगे। जब चीजें खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? तो गुड्स खरीदी है तो एंट्री बताया था, गुड्स खरीदी, परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिट, परचेजेस वर्ड होता है, गुड्स खरीद परचेजेस, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स का वर्ड तो शायद हम नहीं लगा, गुड्स खरीदी है ना, क्या चीज कहाँ चली गई? हमारी कुछ गुड्स है जिन्हें हमने ऑफिस रिपेयर में यूज कर दिया, ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस हुआ वैसे, गुड्स क्रेडिट होनी है लेकिन गुड्स के लिए काउंटिंग है तो परचेजेस है, परचेजेस क्रेडिट नहीं, एंट्री हुई नहीं, एंट्री करनी है लेकिन अमाउंट में एक मसला है। एक वर्ड अंडरलाइन करें जरा, ढूंढ के सेल वैल्यू। चीजें उठाई हैं ऑफिस रिपेयर में इस्तेमाल करनी है तो क्या सेल हो गई? सेल पे कब रिकॉर्ड होती हैं चीजें? जब सेल हो। अगर खुद ही अपनी चीजें उठा के इस्तेमाल कर लें तो चीजें सेल प्राइस पे तो तभी आएंगी जब बिकेंगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को गुड्स, कोई नीडी पर्सन था उसको अपने चैरिटी में दे दी, एंट्री बता दो, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट यार, गुड्स से नहीं, मोबाइल दे दिया किसी को यार, कोई जरूरतमंद नौजवान है उस मोबाइल, मतलब उसके पास नहीं है, अपने अपना मोबाइल दिया, एंट्री बोला मोबाइल क्रेडिट यार, तो भाग रही, मुझे भी तरीका बताए दे के आ जाए। इंसानियत डेबिट, टू मच इंसानियत डेबिट, मोबाइल क्रेडिट कितने पे? आपने सुबह 40,000 का मोबाइल लिया और वैसे ही दे दिए इस्तेमाल किए बगैर, 50,000 का हो गया, ये कॉस्ट पे होगा, सब कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉस होगी, मोबाइल टूट के गिर गया, कॉस्ट पे एंट्री होगी, मोबाइल क्रेडिट लॉस है। सेल प्राइस पे एंट्री कब होती है? जब चीजें सेल होगी, वरना लॉस हो किसी को चैरिटी पे दे दें। ड्रॉइंग्स याद करें यार, बचपन में अगर ओनर गुड्स ले गया, एंट्री बता, एंट्री एंट्री, ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, अब तो याद आ गया, और लग रहा परचेजेस क्रेडिट कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे? अगर चीजें सेल करेंगे तब सेल प्राइस पे, वरना ये कॉस्ट पे एंट्री होनी चाहिए। ये हुआ क्या? बेच दी, ये खुद ही इस्तेमाल करनी, अपनी चीजें खुद ही इस्तेमाल करनी है तो सेल प्राइस पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होनी चाहिए। मसला अब हमें क्या पता कॉस्ट क्या है? नीचे आया जरा क्वेश्चन कर, एक सेंटेंस पढ़े सेकंड लास्ट, बल्कि दोनों पढ़ने अब जरा बात हो रही है। पहले तो एक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम लिखा हुआ है, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे आप दूसरा सेंटेंस पढ़ो, कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ, तो 100 रुपए वाली चीज 125 की बेच रहे हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट में लिखें 100 प्लस 25 इज इक्वल टू कॉस्ट में कितना जमा करके बेच रहे हैं, तो सेल प्राइस फिर 125% हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन काइंडली अपना नहीं बनाना, ये प्लीज सवाल एग्जामिनर का ही बना रहने देना है। मुझे एक भाई कह रहे हैं प्लीज पॉइंट नंबर 5 पढ़ें, मेरे भाई कह रहे हैं ये तो खुद ही यूज करनी है ओनर ने, पॉइंट नंबर 5 में चीजें ओनर ने खुद ही तो इस्तेमाल करनी है, तो ड्रॉइंग्स है, ये पढ़ के देखिएगा। आपके सवाल में भी ऐसे लिखा हुआ ऑफिस रिपेयर हुई है यार, घर की रिपेयर आ गई, ऑफिस की रिपेयर आ गई यार, बस करो यार, बिजनेस का खर्चा हुआ है या पर्सनल खर्चा हो गया है, एंट्री बोले यार, एंट्री आपको पता है, सिर्फ मैंने क्या बताया अमाउंट कैसे बताई है, ऑफिस रिपेयर डेबिट, फाइनल बोले क्या क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट, कैसे वर्किंग करेंगे, 3600 क्या है सेल प्राइस है और वो 125% है,
According to this markup, 100 निकालना हमने cost, 3600. ये फीस पे 125 क्यों आ गया? सेल प्राइस अब 100% नहीं, वो तो कॉस्ट 100 है. तो कॉस्ट में 25 जमा करके ऐड किया तो 25% जमा होके 125% होगी सेल प्राइस. ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम पीस, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हमें क्या गिवन था, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ा? इसके साथ ब्रैकेट में लिखे सेंटेंस, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. वो जज्बा मिसिंग लग रहा है सर, जो होना चाहिए. एनी कंफ्यूजन? नंबर फाइव इन नंबर सिक्स इंडिविजुअली करें और नीचे एंड में डेप्रिसिएशन रेट मिल जाएगा. पी सही होना चाहिए. क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो? कंप्यूटर ऑफिस कंप्यूटर डेबिट होने की बजाय परचेज अकाउंट डेबिट हो, क्या करें? कंप्यूटर डेबिट परचेज क्रेडिट. हाँ जी, कितने से? 42,000 से. और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे? वो क्यों? पहले चार्ज इसलिए नहीं होगी, पहले कंप्यूटर रिकॉर्डिंग. डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे तो 9 months की क्यों करेंगे? क्योंकि डेट अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है, टाइम बेसिस पे करेंगे. लेकिन डेप्रिसिएशन डेट ही नहीं है यार, कहाँ है यार? एंड में दिया हुआ सवाल पे यार, 42,000 × 25% × 9/12 7875. डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. ये चलो आगे नोट करते जाना, प्लीज. नोट हो रही है सारी, अभी से वर्किंग करनी है. पॉइंट नंबर सेवन, एक बार फिर डिस्पोजल आ रही है. और एक अच्छी कोशिश आप होनी चाहिए. एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट है एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल. सेल्स डे बुक किस लिए होती है? क्रेडिट सेल्स के लिए होती है. तो ये तो ठीक हो गया, ये भी क्रेडिट सेल है. यस सर, मेरा पढ़े तो सही. क्रेडिट सेल सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल तो है पर गुड्स की सेल नहीं. गुड्स की सेल, द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5,000. यहां से क्या पता चला बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम? क्या ये फर्नीचर कोई यूज हो रहा था? तो ये प्रॉपर्टी ब्रांड इक्विपमेंट था, ये गुड्स नहीं थे. तो प्रॉब्लम कहां है? क्रेडिट पे तो बेचा है. सेल्स डे बुक किस लिए होती है? क्रेडिट सेल्स के लिए. लेकिन क्रेडिट सेल्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स की क्रेडिट सेल के लिए. और ये फर्नीचर तो कौन सी चीज है? प्रॉपर्टी ब्रांड इक्विपमेंट है, I-16 है. तो अगर ये बेचा है और क्रेडिट पे बेचा है तो आपको पता है एंट्री क्या होनी चाहिए? जी ठीक है, ये डिस्पोजल टाइप चीज है. डिस्पोजल की कोई एंट्री आपको पता होनी क्या चाहिए? अमाउंट के साथ, अमाउंट. रिलैक्स होकर, रिलैक्स होकर. कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट? कितने से? 3,000 से. एंट्रीज करनी है, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना. रिलैक्स. आगे फर्नीचर क्रेडिट कितना? 5,000 से ही क्यों करना पड़ रहा? कैरिंग अमाउंट से ही क्यों करना पड़ रहा? पेज 159 निकाल. पेज 159, पॉइंट नंबर 2. कल तो इक्विपमेंट वाला एक पॉइंट आया था, उसमें हमने तो इक्विपमेंट 12,00,000 से क्रेडिट किया था, क्योंकि किसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी?
कॉस्ट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन. अब यहाँ वहां कॉस्ट भी थी, बुक वैल्यू भी थी, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन हम निकाल सकते थे. आप यहाँ वापस आए, मसला सही बताएं क्या. डब्ल्यूडीवी तो दी हुई है लेकिन कॉस्ट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का पता नहीं चल रहा. मजबूरन एंट्री डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी पे रिकॉर्ड हो रही है. प्लीज रिसीवेबल डेबिट कितने से, फर्नीचर क्रेडिट कितने से, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट कितने से, इंफॉर्मेशन ही नहीं है. 2000 लॉस बनता है इसमें. वो कैसे, 5000 वाला फर्नीचर 3000 पे बेचा है तो 2000 लॉस बनता है. अब ये तो वो एंट्री आप लोगों ने बताई, दोबारा बता दें एंट्री बताइए. रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, लॉस डेबिट बैलेंसिंग, ये तो वो बताइए हमें जो होनी चाहिए थी. अब पढ़ के बताएं कुछ हुई है. ये 3000 कहां चला गया. अब सेल्स डे बुक में अगर गया तो वहां से फिर आपको पता है सेल्स डे बुक में से क्रेडिट सेल की एंट्री हुई होगी. सेल डे बुक से तो फिर क्रेडिट सेल की एंट्री होती है और क्रेडिट सेल की फिर एंट्री क्या हुई होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट. सेल्स डे बुक में फिगर गई तो देयरफॉर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री हुई होगी. हमें कौन सी एंट्री करनी है, रिसीवेबल डेबिट, लॉस डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट. तो मेरे ख्याल लिख लेते हैं और रेक्टिफाइंग इंशाल्लाह बन जाए. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, कम से कम खुद एंट्री याद आए होना क्या है, उसके बाद फिर ढूंढा जाए हुआ क्या है. और अगर यहां तक आप पहुंच जाए तो इंशाल्लाह वहां तक पहुंचना इशू नहीं है कि होना अब क्या होना चाहिए. ये व्हाट इज द एंट्री दैट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एंट्री दैट इज रिक्वायर्ड, रिसीवेबल डेबिट, लॉस डेबिट 2000 एंड फर्नीचर क्रेडिट 5000. ये डिस्पोजल वर्ड है, अपनी चीजों को फाइनल कर लें. डिस्पोजल वर्ड ये डिस्पोजल है. डिस्पोजल वर्ड लिख के भी एंट्री हो सकती है लेकिन डिस्पोजल वर्ड लिख के जब आप एंट्री करते हैं तो फिर वो डिस्पोजल अकाउंट के लेजर के अंदर गेन लॉस आता है. तो डिस्पोजल अकाउंट का अगर लेजर रिक्वायर्ड हो, लेजर्स रिक्वायर्ड हो सवाल में, तो यकीनन हम डिस्पोजल वर्ड लगा लगा के एंट्री बनाएंगे. लेकिन अगर हमें एंट्री करनी पड़े तो फिर हम कंपाउंड एंट्री की तरफ आ जाएंगे. ये भी डिस्पोजल की एंट्री है क्या, ये डिस्पोजल की एंट्री है. आप मुझे यहां से जरा डिस्पोजल अकाउंट वर्ड जहन में रख के एंट्री बता सकते हैं, ना करिए. रिसीवेबल डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 3000 से, फर्नीचर वाली डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट 5000 से. अब गेन या लॉस इन एंट्रीज में नजर नहीं आएगा, वो कहां नजर आएगा, आप जाकर जब डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे. रिसीवेबल 3000 इनकम है और 5000 एसेट है, इंशाल्लाह 2000 लॉस है. तो यकीनन डिस्पोजल अकाउंट बनता है लेकिन लेजर अगर रिक्वायर्ड हो तभी बनाए, अदरवाइज फिर कंपाउंड एंट्रीज ही बनाए क्योंकि हमारा काम शायद इसी से फिलहाल चल जाए. अब यहाँ ना एंट्रीज मांगेंगे ना एसेट लेजर्स मांगे हुए, हम अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं. तो रादर देन पहले हम डिस्पोजल वर्ड लगाए, डिस्पोजल अकाउंट बनाए, एक कंपाउंड एंट्री भी किसी जमाने में इन्हीं दिनों के लिए आपको बताई थी. जी सर, ये पोस्टेड एंट्री है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से, 3000 से. 3000 से सेल डे बुक में रिकॉर्ड हुआ है. ये रेक्टिफाइंग करेंगे, अब इसमें तो सारा कुछ गलत लग रहा है. हाँ जी, इसमें तो हेडिंग हेड्स भी गलत लग रहा है, हेड भी बदल लेने चाहिए. सुनो, जी क्या क्या करूं, सेल्स डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, ठीक है ठीक पूरा कर, लॉस डेबिट, सब कुछ डेबिट ही होगा, डेटर क्रेडिट, कंसिडरेशन, फर्नीचर क्रेडिट 5000. असल में शायद ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह भी कोई रिसीवेबल सिंपल वर्ड होना चाहिए. ट्रेड रिसीवेबल वर्ड इज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. व्हाट इज द मीनिंग गुड्स, गुड्स वैसे किसे कहते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आपने इस वजह से खरीदा ताकि उन्हें बेच सके, गुड्स उनके लिए फिर परचेजेस वर्ड है. गुड्स बच जाए तो फिर इन्वेंट्री है और उसी को स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक. वो गुड्स जो बच गई हैं वो इन्वेंट्री है या उसे स्टॉक है. तो ये फर्नीचर गुड्स नहीं है, ये कैसे पता चला, हमें क्या पता, हो सकता है फर्नीचर बेचने का बिजनेस हो. लेकिन यहाँ पता चला ये यूज हो रहा था
किस वर्ड से पता चला यूज हो रहा था? बुक वैल्यू WDV, क्या स्टॉक भी डेप्रिशिएट करते हैं? स्टॉक इज मेजर्ड एट लोअर कॉस्ट एनआरवी, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन किन की होती है? जिन्हें आप यूज करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? फाइनली ट्रांसलेट कर देगा कोई यार? फाइनली सारी बहस के बाद पॉइंट नंबर 7 में क्या पढ़ा हमने? हाँ जी, फर्नीचर की आइटम को हमने 3000 पे क्रेडिट पे बेचा था, लेकिन उसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ये सेल्स डे बुक में उन गुड्स की सेल आनी चाहिए जो हमने चीजें खरीदी थी ताकि उन्हें बेच सकें। ये क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आइटम थी, 5000 इसकी WDV है, इसलिए इसको सेल्स डे बुक में नहीं, इसको अलहदा से डिस्पोजल के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। जी नेट इफेक्ट तो सर बहुत कुछ जीरो है, लेकिन डेटर का वर्ड तब यूज होता है जब गुड्स सेल की हो क्रेडिट पे, और अगर गुड्स के अलावा कोई चीज सेल की है क्रेडिट पे, फिर उसके लिए अलहदा वर्ड शायद रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स वगैरह में होना चाहिए। 124 पेज ढूंढने जरा नादिर, बस कर दे यार, बस कर दे। पेज नंबर 124 नादिर, पॉइंट नंबर 4 डिस्पोजल है उसका। इस पॉइंट में 4 में 2 में एक एंट्री लिखी होगी आपने कहीं, पॉइंट नंबर 2 में एक एंट्री लिखी हुई, एंट्री बताइए क्या लिखी हुई? कैश डेबिट कितना कितना कितना? 3000। बाकी क्या किए? और डेटर लिख लेते हैं। डेटर वर्ड कब है? जब गुड्स बेची है, तो ये रिसीवेबल है, ठीक है, डेटर भी रिसीवेबल है, लेकिन वो गुड्स का रिसीवेबल है। और अगर कोई फिक्स एसेट बेचा और पैसे नहीं मिले, तो अलहदा से एक रिसीवेबल आपने डेबिट किया है, और फिर अदर रिसीवेबल वगैरह में आपने ढूंढा होगा। यही चीज आपने एक और सवाल में भी कहीं ढूंढी है, ये बुक एंड में क्विकन ढूंढा है, क्विकन के नाम से सवाल ढूंढे सर, ढूंढे पेज नंबर बता दें, ये ना कह दीजिएगा, ढूंढे एंड में जाए 344, ये हुई ना बात, 344 में बेटा पॉइंट भी ढूंढ दे यार, इसमें भी कहीं डिस्पोजल का रिसीवेबल है कहीं। हाँ जी, पेज नंबर कौन सा आ गया? 340 नहीं, पेज कौन सा? 344 पॉइंट नंबर 3, पढ़े जी क्या लिखा हुआ? ये एंट्री हो जाए, हिम्मत करो जवानों, हिम्मत, सेंटेंसेस पढ़ के एंट्री जहन से बाहर आनी चाहिए। कैश डेबिट कितने से? 11 मिलियन से। रिसीवेबल कितना है मेरा ख्याल? अगले जुमले में है कहीं यार इधर? हाँ जी, बहुत डिस्पोजल था मेरा ख्याल। चले इसकी पहले एंट्री पूरी करें 11 वाली, कैश डेबिट 11, आगे व्हीकल क्रेडिट 8 से गेन 3 हो गया, आगे बढ़े फर्दर पढ़ेगा। हाँ जी, सेल प्रोसीड्स ऑफ अनदर व्हीकल डिस्पोज ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड करंट ईयर, सही सोर्स के एंट्री बताए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, डेटर क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट, क्यों रिसीवेबल? चलिए जरा बात हो रही, बताइए दोबारा एंट्री बोले दूसरे बार, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश फ्लो में लगा, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहाँ आएंगे? कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं नहीं आएंगे, कैश फ्लो में ये कैश किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग। लेकिन जब आप वर्किंग्स में कोई लेजर बना रहे होंगे, तो रिसीवेबल के लेजर में भी क्रेडिट करेंगे। एक और ढूंढने जरा सगोरो, पेज नंबर 308, जल्दी 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 भाई जान, 309 पे भी एक एंट्री ढूंढने जरा, कहेंगे पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होगा, 3 या 4 है? इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट होने 4 है, मतलब 3 है यार, 3 है तो 3 है यार, किसने कहा 4 है? मतलब ढूंढ के बताएं व्हाट इज द एंट्री आपने लिखी हो शायद, कैश डेबिट इंश्योरेंस क्लेम लिखा होना चाहिए,
चले नहीं लिखी, अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या था ये, किस साल रिसीव, किस साल डिस्ट्रॉय हुआ था? लेकिन पैसे अप्रैल में नहीं मिले थे। पेज नंबर 308 पर ये कैसे पता चला पिछले साल नहीं मिले थे? नहीं, पिछले साल आप बताया हुआ था, पिछले पेज पे तो है, पेज नंबर 308 पे है, वहां इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ रहा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ढूंढने कितना ओपनिंग कितना है, 308 सफा, 31 ओपनिंग, क्लोजिंग जीरो। क्या मिला इस साल है? बिका कब था? पिछले साल। मिला इस साल है, 31 की एंट्री बोल रहे। कैश डेबिट मिला है, मिला है कैश डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट। तो कैश जो मिला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एक अलग हेड है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम डेटर्स। डन है, प्लीज आप आ जाए वापस जी। पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर कौन सा आ गया सर? पॉइंट नंबर 8 पढ़े, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू रुपीज 6700 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। जिस तरह आपने पढ़ा है ये तो डॉक्टर भी पढ़ सकता है। ना ना सर, रिलैक्स कर, किधर निकल गए? इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। परचेज रिटर्न्स को सेल रिटर्न्स रिकॉर्ड कर लिया गया है, ये काम भी डॉक्टर कर सकता है। यस सर, यहां तक कर सकता है। सोच के देखते हैं, डॉक्टर्स की अंग्रेजी में सब अच्छी होती है। परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया गया है, इस सेंटेंस की इस तरह ट्रांसलेशन करना। कोई अकाउंटेंट बनना इसके लिए जरूरी नहीं। नहीं नहीं, अब वो ठीक है, ठीक होगा, लेकिन आप हैं अकाउंटेंट, तो डेबिट क्रेडिट जेम रख के जरा बताइए क्या हुआ। परचेज रिटर्न को क्या करने की बजाय सेल रिटर्न को क्या कर लिया है, ये इशू है सर। अब मैं अकाउंटेंट, ये कोई आपके अलावा काम नहीं कर सकता। शुरू करें। हाँ जी, ये हिम्मत मारे। अब परचेज रिटर्न का पता है किसी को, होती है परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न, अब देखिए साइंस गेम पड़ गई। अब जरा अकाउंटेंट अगर बने तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की बजाय सेल रिटर्न को क्रेडिट कर लिया है, ये डेबिट कहां से बीच में आ गया? वो होती डेबिट है, होती ही सेल रिटर्न डेबिट। इस तरह का थोड़ा सा पॉइंट, लेकिन मतलब ज्यादा क्लियर था। पेज नंबर 143 पॉइंट नंबर 3 में, और प्लीज एक अकाउंटेंट बन के पॉइंट नंबर 3 को पढ़े। पेज नंबर 143 के एंड में पॉइंट नंबर 3, वहां जरा उसने ज्यादा ऑब्वियस बता दिया था। परचेज रिटर्न को डेबिट क्रेडिट करने की बजाय सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, उसने बताया डेबिट, वो ना भी बताया तो सेल रिटर्न डेबिट ही होती है। ऑल लोग की भी ट्रांसलेशन करें, बट द ट्रेड पेबल अकाउंट में मसला नहीं है, ये भी उसने क्लियर बता दिया यहाँ। लेकिन उसने सिर्फ क्या बताया, परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया है। एज एन अकाउंटेंट आप क्या इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की बजाय, अब यहाँ ये मसले हुए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की बजाय सेल रिटर्न को डेबिट किया है। ठीक कर लेंगे हम, लेकिन पॉइंट अच्छा है, जरा दोबारा ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट रिवाइज करना। क्या परचेज रिटर्न ने क्रेडिट होना था? इसका मतलब क्रेडिट कम हो गए बाय रुपीज 6700 से क्रेडिट नहीं हुआ, और ऊपर से दूसरा जुल्म क्या हुआ, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। नहीं, सबसे पहले ये बताएं, क्या अब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी? डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी? कैसे? 6700 क्रेडिट कम है और 6700 से डेबिट्स भी और बढ़ गए, तो सस्पेंस आएगा वैसे से। ये डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन हुई है, क्रेडिट करने की बजाय डेबिट हुआ, लेकिन यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनेगा कितने से?
6700 से या डबल से? डबल से क्यों? दो इश्यूज नंबर एक, 6700 क्रेडिट नहीं हुआ, एक मिनट 6700 से कम क्रेडिट है, ऊपर से 6700 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए, तो कितना डिफरेंस आएगा? कैसे 6700 क्रेडिट ना करने की वजह से क्रेडिट साइड पे 6700 का सस्पेंस बनेगा और 6700 डेबिट होने की वजह से मजीद क्रेडिट साइड पे 6700 सस्पेंस अकाउंट बढ़ जाएगा। दोबारा प्लीज ना, 6700 क्रेडिट ना होने की वजह से 6700 से क्रेडिट्स कम रह गए, सस्पेंस अकाउंट बन गया 6700 से, लेकिन इन एडिशन टू दैट सेल रिटर्न्स 6700 से फर्दर डेबिट होने से और डेबिट्स में 6700 इजाफा होने से 6700 और सस्पेंस में चला गया। और वैसे भी ये वो पॉइंट है जो आप भी कह रहे थे, ये अब क्रेडिट की बजाय डेबिट हुआ है, तो यहाँ शायद डबल अमाउंट बन गई। विजुलाइज कर लेंगे, कोई लिख के बताओ, जरा ट्रांसलेशन करें। नंबर वन क्या हुआ? क्रेडिट्स कम क्यों हुए? क्योंकि 50% क्रेडिटिंग, क्रेडिट्स कम होने से सस्पेंस अकाउंट 6700 हो गए। इन एडिशन क्या हुआ? सेल रिटर्न डेबिट हो गई, उससे क्या हुआ? डेबिट्स और बढ़ गए, डेबिट्स और बढ़ने से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे और बढ़ गए। ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में क्यों आएगा? डेबिट्स ज्यादा हो रहे हैं, क्रेडिट्स कम हुए और फिर डेबिट्स और ज्यादा हो, तो कितने सस्पेंस अकाउंट बनेगा? तो जी परचेज रिटर्न को बेटा सेल रिटर्न रिकॉर्ड किए, तो डेफिनेटली परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये उससे नहीं आपका है, तो दोबारा पढ़े सेंटेंस, क्या क्रेडिटर्स में भी फर्क पड़ा? क्या क्रेडिटर्स में भी इशू आया है? क्या डेटर्स में भी इशू आया है? आ सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन सिर्फ किस अकाउंट्स में फर्क पड़ा? परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न बना लिए गए। क्या पूरी डबल एंट्री गलत हुई है या परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया? पूरी एंट्री भी गलत हो सकती है, ठीक है? जो लिखा वही है ना, क्या क्रेडिटर्स भी गलत रिकॉर्ड कर, क्या डेटर्स को भी गलती से रिकॉर्ड कर लिया है? जो क्वेश्चन है बेटा लिखा उससे पता चलेगा ना, क्वेश्चन सेज क्या की बजाय क्या हो गया? परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर, तो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ वहां पर, ठीक है? प्लीज क्लियर। तो ये एरर उतना ही होगा जितना एग्जामिनर बताएगा, और हमने अंदर अंदर उसी के रहते करेक्शन करनी है। जी आप स्ट्रेट अवे करेक्शन कर दो इसके, क्या करो जी करेक्शन? सस्पेंस बाद में, सस्पेंस की कोई जल्दी नहीं है, पहले मेन हेड्स को फोकस करें। सेल रिटर्न को क्रेडिट क्यों करें? सेल रिटर्न अगर रिकॉर्ड हुई है तो डेबिट हुई होगी, क्रेडिट करके ठीक करें। और परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों करें? क्योंकि उसे रिकॉर्ड होना चाहिए था क्रेडिट होकर, तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में डेबिट साइड पे 13,400 बनता नजर आता है। तो मेन हेड सस्पेंस नहीं है, अदर देन मेन हेड पहले फाइनल कर लें और देन सस्पेंस अकाउंट चल आपके सामने आ रहे। जी अहमद साहब मेरे ख्याल यही कह रहे हैं, इसे सस्पेंस अकाउंट क्यों बना होगा? क्या डेबिट क्रेडिट रूल की कोई वॉलेशन हुई? क्या वॉलेशन हुई? नहीं, मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो गई, सेल रिटर्न डेबिट हुई। जी ठीक है जी अहमद साहब, अब मेरे ख्याल यही बड़ा बात कर रहे हैं। जी लास्ट पॉइंट अगर आप सही ना करें तो मेरा ख्याल है कि बाकी एग्जाम सब यस। थोड़ी देर पहले ही शायद आप लोगों ने मुझे बताया था, तो दोबारा मुझे ओनर हैज विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 6,648 फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री हैज बीन मेड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डबल एंट्री सर, ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, इतने से
कॉस्टिंग वर्ड अंडरलाइन करें, अगर ये भी कोई सेल प्राइस लिखा होता तो कॉस्ट पे ही एंट्रीज होनी चाहिए। सेल प्राइस गुड्स सेल हो जाए। आई होप कि जो कुछ किया प्लीज समझ के किया है। लेकिन आपकी गुड न्यूज ये है कि रिक्वायरमेंट पड़े, एंट्रीज तो मांगी नहीं उसने थी, हम किस चक्कर में पड़ गए? नहीं, हम सही चक्कर में पड़े, लेकिन अगला काम अभी क्या रहता है। अच्छा, ये जो इस वक्त वर्किंग होने लगी ना, ये इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे और एंजॉयमेंट को फाइनलाइज भी करना है, ठीक है? तो क्या लिखा, क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। समझने पे फोकस ज्यादा रखिएगा, लिखना कोई इशू नहीं है। बिजनेस नेम है टिमोथी एंटरप्राइजेस। करना क्या है, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। पहली हेडिंग बना रही, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब कैसे करूं, कोई हेल्प करे मेरी? सेल्स, बात बिल्कुल ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन इस सवाल में सेल ढूंढे। सीधा गिवन है, कौन सा गिवन है, कौन सा हमने करना है? अनएडजस्टेड गिवन है, अनएडजस्टेड गिवन है, हमने एडजस्ट करना। ये कैसे पता चला अनएडजस्टेड? कहां लिखा? वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना होती तो फिर यही ठीक होता। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, हर वो फिगर जिसमें एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहती हो वो अनएडजस्टेड होती है। तो व्हाट इज द अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, ये कह लें या गिवन ग्रॉस प्रॉफिट कह लें? गिवन ग्रॉस प्रॉफिट है जी 8,50,000। बस ये पहली लाइन लिखें और प्लीज रुक दें। इसका मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया, वो जो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में भी आपको दिखाया था, एक सवाल प्रैक्टिक सरप्लस वहां बताया था, लेकिन आप उसको ना देखें, वैसे ध्यान में रिकॉल कीजिए। अपनी एंट्रीज में आ जाए। अब हमने अपनी एंट्रीज को गौर से देखना है और अपने ज़हन में ग्रॉस प्रॉफिट रखना है और देखना है हमारी इन एंट्री से ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आता। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है ये सबको पता है? इसमें क्या क्या आता है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, कैरी इन्वेंट्री आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, अगर सेल कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आएगा। लेकिन अगर भी अदर इनकम में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज आएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो यकीनन नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जरूर आएगा। तो फोकस ओनली ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। पहली एंट्री गौर से देखें। अब कौन सी एंट्रीज हम देखेंगे? जो रेक्टिफाइंग हमने लिख ली हुई है और आपने प्लीज पहले देखना है, करवाना है आपके लिए। ये पहली एंट्री बोले, क्रेडिटर डेबिट होने से लायबिलिटी कम हो। हर चीज का फैक्ट पता होना चाहिए और लायबिलिटी कम होने से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, परचेजेस क्रेडिट होने से आहिस्ता। क्या परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में आती है? परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब परचेजेस कम हो रही है। परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी कम होगी? ये तीन फिगर सामने रख लें जी, ओपनिंग अपने ज़हन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल है। अगर ओपनिंग बढ़ेगा, सोच के बताएं कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव फिगर। परचेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो वो क्योंकि माइनस हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम। तो दोबारा जो एंट्री देखें, परचेजेस क्रेडिट हो रही, क्या परचेजेस कम हो रही? परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब ऐसा, परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब परचेजेस कम हो रही, परचेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। प्लस कर दो या माइनस?
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस हो जाएगा माइनस, तो परचेजिंग सब कम हो रही है, सेल कम हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मत लिखें देख के गलत हो जाना, बाद में मैंने कहना मैंने बता दिया। अब मेरे से एक और आसान तरीका मैंने उन दिनों में भी बताया और सबसे इजी तरीका भी सुना था। देखिए क्या ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर क्रेडिट फिगर है? प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, गेन ऑन डिस्पोजल हो, अदर इनकम हो, क्रेडिट फिगर है। तो कोई भी अगर चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आनी है और क्रेडिट होके आएगी तो प्रॉफिट ने भरना ही है। हम सोच लेते हैं बार 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 बार, लेकिन शायद सबसे इजी ये है। क्या क्या बोला मैं, कोई भी चीज अगर प्रॉफिट लॉस में आनी है बस ये डिसाइड कर लेंगे, क्रेडिट होके आएगी तो प्रॉफिट बढ़ा देगी, डेबिट होके आएगी तो प्रॉफिट कम कर लेगी। सोच लेते हैं क्रेडिट होके अगर आएगी तो या तो इनकम बढ़ी होगी या एक्सपेंसेस कम हो रहे होंगे, इनकम बढ़े या एक्सपेंसेस कम हो प्रॉफिट ने बढ़ जाना। डेबिट होके कोई चीज अगर प्रॉफिट लॉस में आएगी तो इनकम डेबिट होके अगर आ रही होगी तो वो कम हो रही होगी, एक्सपेंस डेबिट होके आ रहा होगा तो बढ़ रहा होगा, दोनों केसेस में इनकम कम हो या एक्सपेंस बढ़े प्रॉफिट कम हो। पहले ये डिसाइड कर लें क्या प्रॉफिट क्रेडिट फिगर है। तो इसमें अगर कोई चीज क्रेडिट होनी है तो इसे बढ़ जाना, और अगर इसमें कोई चीज डेबिट होनी है तो इसमें माइनस हो। तो यकीनन हम सोचते रहेंगे, लेकिन शायद रिलैक्स रहने का तरीका यही है कि हम डेबिट क्रेडिट की गेम चलाएं। फाइनली बता दें ये तो प्लस हो जाएगी फिगर 3700, क्यों प्लस हो जाएगी? परचेजेस कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से लॉस प्रॉफिट बढ़ जाए। आगे चलूं सर? हो सकता है ये बात गलत हो जाए, नेक्स्ट एंट्री पर कैरिज इनवर्ड्स डेबिट है, कैरिज आउटवर्ड्स क्रेडिट है। क्या कैरिज इनवर्ड्स ग्रॉस प्रॉफिट में आता है? ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आता है? किस जगह आता है? कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। कि कैरिज इनवर्ड्स डेबिट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, इसमें जमा हो जाएगा, ये परचेजेस में जमा होने से परचेजेस बढ़ के कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैरिज आउटवर्ड्स क्रेडिट होने से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे इफेक्ट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैरिज इनवर्ड्स डेबिट होने से क्या अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा? पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो? पॉजिटिव नेगेटिव की जगह अगर मैं डेबिट लिख दूं तो बात बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? माइनस हो गया, माइनस हो गया। एक और करवा दें उसके बाद मेरा ख्याल आप खुद कीजिएगा। नंबर थ्री पर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से क्या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से क्या ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, डेबिट ही हो, ठीक है सर। स्टॉक क्रेडिट होने से एसेट कम हो नहीं, स्टॉक क्रेडिट होने से जो कॉस्ट ऑफ सेल पे खर्च करना था वो तो लिख लिया नया। अब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और स्टॉक क्रेडिट का मतलब एसेट कम हो। क्या ये स्टॉक क्रेडिट का इफेक्ट भी प्रॉफिट में आएगा, ये इसका इफेक्ट अब एसेट्स में आएगा, ये एसेट्स इफेक्ट हो। एक और आखिरी नंबर फोर क्या एंट्री लिखी हुई, और कौन सी देखनी है नंबर फोर में? रेक्टिफाइंग प्लीज कंसल्टेशन, सेल डेबिट होने से गेम चलाएं आगे। आप बताएं क्या होगा सेल डेबिट होने से? सेल डेबिट होने से सेल कम हो जाएगी, सेल डेबिट होने से सेल कम हो जाएगी, सेल कम होने से प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। अपनी समझ भी आ रही क्या लगी है? अगली लाइन पढ़ें, बात अभी पूरी नहीं हुई है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से इफेक्ट कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस में? सेल्स में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से सेल कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। लग ये रहा है जब मेरा दिल करेगा तब प्रॉफिट कम होगा और जब मेरा दिल करेगा तब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेटर क्रेडिट होने से, डेटर क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डेटर क्रेडिट होने से एसेट्स में कमी होगी, प्रॉफिट परफेक्ट नहीं।
लिखो कि आप प्लीज फाइश करेंगे करने की। आइए यहाँ तक इकट्ठे हो जी, ऑनेस्टमेंट आप ट्राई करें। बाकी ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जा सकता है, लेकिन शायद ये डेबिट क्रेडिट ही भी पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है। आगे कंप्लीट करेंगे सर? यस सर। जी एसेट खरीदने से कौन सा नहीं यार, कंप्यूटर डेबिट होने से एसेट्स बढ़ेंगे या प्रॉफिट पे चेंज आएगा? नहीं मतलब इस वक्त क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन देखे हैं? कंप्यूटर डेबिट होने से कहां इंक्रीज आएगा एसेट्स, तो उससे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ परचेजेस क्रेडिट होने से, हर हेड अलग देख रहा हूँ मैं, डेबिट अलग सोचता हूँ क्रेडिट अलग सोचता हूँ। कंप्यूटर डेबिट होने से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, लेकिन परचेजेस क्रेडिट होने से ना करेगा। कहाँ तक पहुंचे सर, डिस्काउंट अलाउट तक पहुंच गए? अच्छा गलती से ना ड्राइंग कर लिया गया तो अच्छा हो गया, कोई इशू नहीं देखा था। आंसर बता रहे नहीं, ये 888 समथिंग लग रहा है जी। यहाँ तक जो मैंने लिखा ही क्लियर है, और सर ये क्लियर है सर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? मैं एंट्री नंबर 5 में हूँ, अगर कर रहे हैं तो एक मिनट और रोक देता हूँ मैं, अगर फंसे हुए बैठे हुए बता दो कहाँ फंस गए हैं क्या करें। हर हेड को इंडिविजुअली सोच रहा हूं मैं, क्या जहन में रखे, नहीं क्या जहन में रखे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। ये 888 समथिंग है, हाँ जी 93। सब कैलकुलेशन एरर नहीं है, ये कुछ और है। बस कर दो यार, डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता यार, ये कौन से पीआरसी किया आप लोगों ने? जी इकट्ठे हो गए सारे, जॉनी स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड सेल में से और डिस्काउंट रिसीव बोले परचेज में से लेस होती है।
जी डियर, डिस्काउंट अलाउड मींस पॉइंट नंबर 5 से आगे चल रहा हूं। दोबारा मैं ऐसा सुने जिन्होंने अपना अपना कर लिया, छोड़ने गलती हो जाती, इंसान है। जी नंबर 5 एंट्री आंसर। ऑफिस रिपेयर डेबिट होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? यकीनन कहीं पड़ेगा, लेकिन कहां नहीं पड़ेगा। परचेजेस क्रेडिट होने से बोल दें क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंट्री नंबर 6, ऑफिस कंप्यूटर डेबिट होने से एसेट बढ़ेगा, लेकिन परचेजेस क्रेडिट होने से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट होने से यकीनन एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से एसेट कम हो जाएगा। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से एसेट कम हो जाएगा। डन है सर? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली मैंने? एंट्री नंबर 7 रेक्टिफाइंग देख रहे हैं आप। सेल डेबिट होने से, सेल डेबिट हो भी रही है, सेल डेबिट होने से 3000 से ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। रिसीवेबल, रिसीवेबल से कुछ नहीं होगा, फर्नीचर से कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉस डेबिट होने से नेट प्रॉफिट तो इफेक्ट होगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में इफेक्ट नहीं है। लॉस किधर जाना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आना, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तक अभी बात हो रही है। डन है सर? कहां तक किया मैंने अभी? पॉइंट नंबर 7 तक। 8 सुने, ये वाला ध्यान से सुनिएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट होने से कुछ नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट तो है ही नहीं, कुछ होना भी नहीं चाहिए, डेबिट होकर जीरो हुआ है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होने से, परचेज रिटर्न क्रेडिट होने से परचेज रिटर्न बढ़ जाएगी। छोड़ दे जहां भी, यहाँ पर ना परचेज रिटर्न क्रेडिट होने से परचेज रिटर्न बढ़ जाएगी। परचेज रिटर्न के बढ़ने से परचेजेस कम हो जाएंगी। परचेजेस के कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो। लेकिन पूरी बात क्या बोलने बोलने बोलते क्या बढ़ के क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब सेल रिटर्न्स पे गेम शुरू करते हैं। सेल रिटर्न्स क्रेडिट होने से सेल रिटर्न्स कम हो जाएंगे। सेल रिटर्न क्रेडिट होने से सेल रिटर्न्स कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी? सेल रिटर्न्स के कम होने से सेल कम हो जाएगी। सेल रिटर्न डेबिट होके बढ़ती है, क्रेडिट होके सेल रिटर्न कम हो रही है। सेल रिटर्न्स के कम होने से सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन सेल रिटर्न तो क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट बढ़ जाएगी इसी तो प्रॉफिट। लास्ट एंट्री परचेजेस क्रेडिट होने की पूरी गेम चलाएं। ड्रॉइंग्स डेबिट होने से ड्रॉइंग्स बढ़ जाएंगी, और ड्रॉइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाएगा, और प्रॉफिट परफेक्ट नहीं है। ड्रॉइंग्स कहां नजर आ रही हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां नजर आ रही है? एसेट्स में, इक्विटी में। इक्विटी में ड्रॉइंग्स डेबिट होने से ड्रॉइंग्स बढ़ेंगी, लेकिन प्रॉफिट परफेक्ट नहीं आएगा। आई होप कि अगर कोई मिस्टेक हुई थी तो आपने ठीक कर ली है। और मैंने कब गाय हुई, मैंने अगर हुई थी, अगर मेरे से हुई थी तो मैंने ठीक कर ली है। आप इंसान लग ही नहीं रहे मुझे, आप गलती कैसे कर सकते हैं? ये एक प्रैक्टिकल ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। ट्रिपल ए 93 क्रेडिट, वाई क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है, पॉजिटिव क्रेडिट्स, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स। और नौजवान टोटल बोर्ड से ढूंढने की ख्वाहिश और कोशिश कर रहे हैं, चेक करें ना क्या सही आया क्या गलत आया। जॉनल स्टूडेंट्स ओके हो गए? जी सर, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट हेडिंग देखें। अच्छा, पेज मैंने एक पढ़वा था, मेरा ख्याल आधा सफा होगा अभी, लेकिन अगर महसूस करें नहीं है
साफ सुथरा लिखिएगा लेकिन बाद में। रुक जाए, इसमें एक छोटा सा मसला है, वो रिजॉल्व कर लें सोच के तरह, उसके बाद फिर ये भी आपका है। रुक जाए जहां भी है, हेडिंग लिखी बस आपने आगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताए। हाँ जी, अनएडजस्टेड गिवन नेट प्रॉफिट बताए 4,60,000। अब इसमें एक मसला सुने, 4,60,000 क्या है? कंसंट्रेट, छोड़ दें भाई, नेट प्रॉफिट है। अब यकीनन थोड़ी देर पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक कर लिया है, लेकिन ये जो 4,60,000 में सवाल में दिया हुआ है, क्या ये 4,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, अपनी वर्किंग देखें जो अभी आपने की है, 8,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे बना हुआ है या 888,930 की बेस पे बना हुआ है? अब इसका क्या मीनिंग है? ये जो प्रॉफिट है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है और नेट प्रॉफिट भी गलत है। ये दोबारा जरा फिगर सुना, 460,000 जो फिगर है ये 888,930 की बेस पे नहीं है, ये तो हमने खुद ठीक की है। ये 850,000 को आगे बढ़ाया गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर इनकम को कंसिडर किया गया है और नेट प्रॉफिट निकाल दिया गया। तो क्या इस अंक के अंदर 4,60,000 के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट वाली गलतियां भी शामिल है? वो क्यों यार, ठीक कर भी तो ली है, ये किसने ठीक किए? आप लोगों ने। और ये प्रॉफिट किसने निकाला? एग्जामिनर ने। 4,60,000 आप जैसा कोई होता गलती करते, आप यकीन क्या करते हैं? आप जैसे लोग होते तो आप 999,930 ग्रॉस प्रॉफिट आगे चलते और प्रैक्टिड फिगर्स देखते, प्रैक्टिड नेट प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन हमें 460 दिया हुआ एग्जामिनर ने, वो 850 की बेस पे होगा। इट मीन्स अब यहाँ नंबर एक, पहला तरीका तो ये हो सकता है कंसंट्रेशन का, इस 460 में ग्रॉस प्रॉफिट वाली कलेक्शंस भी की जाए और नेट प्रॉफिट वाली कलेक्शंस भी की जाए और इसे ठीक कर लिया जाए। लेकिन ये शायद टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, कैलकुलेटर पकड़ेगा। करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट लिखें 888,930, ये क्या है? और 850 ढूंढने जरा ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? 38,930 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ा है, तो आपकी जितनी भी करेक्शंस थी ग्रॉस प्रॉफिट तक, उसके रिजल्ट में 38,930 से ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट होके बढ़ गया। तो अब जरा 460 दोबारा ढूंढे, क्या इस 460 में 850 आ रहा है? 850 आ रहा है। तो अगर ये कैलकुलेटर पर आपकी एडजस्टमेंट आई है, ये अगर हम एडजस्टमेंट इकट्ठी कर दें टाइम बचाने के लिए, तो कौन से कहां तक के मसले हल हो जाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट तक वाले मसले हल हो जाएंगे और देन हम एंट्रीज अपनी दोबारा देख के सिर्फ आगे वाले ग्रॉस प्रॉफिट से जो आगे वाले मसाइल हैं उनको ठीक कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, किसी को पता चल रहा है? 460 इज द क्वेश्चन, इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन द सवाल। ठीक है, 460 क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें कैलकुलेट किया करके दिया है, जो 850,000 की बेस पे इसलिए होगा क्योंकि वो गलत फिगर्स थी। तो 850 में भी करेक्शन होनी थी और यकीनन 460 में भी होनी है। तो 460 के अंदर क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट भी है, तो हम एक ही लाइन में पहले जो करेक्शन है वो कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तक वाली, उसके बाद फिर आप रिलैक्स होकर अपनी एंट्रीज में से नेट प्रॉफिट को जो इफेक्ट करेंगे आइटम्स उनको एडजस्ट कर लेंगे। बात कुछ क्लियर है मेरी? एक लाइन मुझे जरा लिख लेने दें, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करो? नहीं, फिगर 888,930 माइनस 850,000 डिफरेंस लें 38, बताइए इसे क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्रेडिट क्यों करूं? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, 460 भी क्रेडिट है, 38,930 भी क्रेडिट है, तो ये एडजस्टमेंट करने से हमारा नेट प्रॉफिट के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ठीक हो गया है। बाकी अब आप एंट्रीज देखें और कौन सी एडजस्टमेंट्स कर लें, जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिगर्स आनी है उनकी काइंडली एडजस्टमेंट करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें जरा, खुद से जरा जहन लड़ाएं और कैलकुलेटर को काइंडली प्लीज गिरने से बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ नहीं होता वैसे तो, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन खुदा ना खासा कुछ होना रहे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कौन सा कोई मोबाइल है।
जिसकी हिफाजत की जाए, ये जहां भी पड़ा अपना ही होता है, कहीं रह भी जाए तो अगले दिन फिर मिल जाता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई, स्पीड अप हो गए, एक एक सवाल हम पूरी पूरी क्लास में करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये 38930 की एडजस्टमेंट समझ आ गई, कोई बात बता दिया करिए। प्लीज अपना अपना ट्राई करें, आखिर कब से सोचना शुरू करना है। जिस दिन आप फारे होंगे इस की बात सबके सामने बेटा मुनासिब नहीं होती। नहीं यार कहाँ फारेगा, पढ़ रहे हैं आजकल। मेरा ख्याल एक दिन शायद बच्चों को और चाहिए, ये जो नौजवान हैं इनकी क्लासेस शायद एक आध दिन रहती हैं। सर जी ऐसे आपने हुक्म कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा यार, कमाल ब्लड लड़ मैं मैंने क्या कहा यही, सेल डेबिट होने से कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होने इससे फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट पे। yes, तो होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में हुआ था, नेट प्रॉफिट में भी तो ग्रॉस प्रॉफिट होता, वो कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ 38930 में। तब चार फिगर आनी है मेरा ख्याल, कैरिज आउटवर्ड आना, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड या कैरिज आउटवर्ड, ऑफिस रिपेयर से आना, डेप्रिसिएशन ने आना, लॉस ने आना। ये बड़ी बात तो हजम होती है ना, मैं कहता हूँ क्रेडिट हो गया आ रहा तो प्लस ही हो जाना, नहीं मतलब ये शायद सबसे इजी सेंस में है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, लेकिन बहरहाल एक दफा सोच के तसल्ली भी करना है। तो सोचना है सिर्फ ये है कि कोई आइटम प्रॉफिट लॉस में आनी है या नहीं, अगर आनी है तो डेबिट होके आएगी तो, और क्रेडिट होके आएगी तो एडलेस हो जाएगी अकॉर्डिंग। जी आंसर बताइए 487455। What is this? Adjusted या corrected net profit? Corrected कहने, adjusted कहने? Net profit. कोई भी आइटम अगर प्रॉफिट लॉस में आनी है, क्रेडिट होके आएगी तो प्रॉफिट बढ़ा देगी, डेबिट होके आएगी तो प्रॉफिट कम कर देगी। प्रॉफिट इटसेल्फ क्रेडिट फिगर होती है, क्रेडिट होके प्रॉफिट बढ़ जाएगा और डेबिट होके प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये कल क्या पढ़ा घर, नहीं गुड मिलता टाइम इतना मिल जाता है, वो मैंने आपको बनी एयर भी कहा, अब इस तरह के सवाल याद हो जाने चाहिए, अभी तक शुरू नहीं किया वैसे याद हो गया, लेकिन नाम याद हो गए। आज के लिए लिख रहे हैं यार 2%, एक ईपीएस को दे दें टाइमर, पेज नंबर 345।